Very good morning, students. I am Namita Gupta, PGT Chemistry, in Suraj School, Rewari. Today I will discuss stoichiometry numerical. On the basis of that, I have one question for you. Calculate the mass of line. Calculate the mass of line will be obtained by the thermal decomposition of 1500 gram of calcium carbonate. That means in this question, 1500 gram calcium carbonate given है, जिसको कि thermal heat किया जा रहा है. Thermal heat means गर्म किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये breakdown हो रहा है, टूट रहा है. ब्रेकडाउन होके ये लाइन बना रहा है. लाइन कितना अमाउंट बनेगा, हाउ मच अमाउंट ऑफ दैट लाइन विल बी फॉर्म्ड, आई विल डिस्कस इन दिस क्वेश्चन. फर्स्टली इन दिस क्वेश्चन यू विल राइट बैलेंस रिएक्शन ऑफ द गिवन क्वेश्चन. कैल्शियम कार्बोनेट हीट किया लाइन, दिस इज कॉल्ड लाइन, एंड CO2 गैस फॉर्म. तो हाउ मच अमाउंट ऑफ लाइन विल फॉर्म इन दिस क्वेश्चन. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स इन स्टोइकोमेट्री क्वेश्चंस, तो देखते हैं. सबसे पहले जो भी रिएक्शन दी जाएगी आप उसको बैलेंस करेंगे. फर्स्टली यू विल बैलेंस द कंप्लीट रिएक्शन, और बैलेंसिंग में आपने देखा कैल्शियम का एक एटम, कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के तीन एटम, द सम ऑफ हेयर ऑक्सीजन विल बी शो थ्री एटम. तो यहां भी ऑक्सीजन के कितने एटम है, तीन. तो वी कैन से द गिवन रिएक्शन इज बैलेंस. तो यहां पे ये वन क्या है, मोल किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का. यू कैन राइट इट वन मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट, प्रोड्यूस one mole of lime, produce one mole of lime. और यही स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट, moles आपको इक्वेट करने हैं, कैसे, बाय द यूनिट्री मेथड. तो यहां मैंने आपको दो पॉइंट्स बताए. फर्स्टली आपको रिएक्शन लिखनी है, सेकेंड आपको बैलेंस करना है, देन आपको रिएक्शन के कितने मोल्स दे रखे हैं, कितने मोल्स ऑब्टेंड हो रहे हैं, ये पता लगा लेना है. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स. देन जो भी डाटा आपका गिवन है, उसको भी आप मोल्स में बदल लोगे, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. द गिवन मास फॉर कैल्शियम कार्बोनेट 1500 अपॉन मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास यू कैन कैलकुलेट सेपरेटली. कैल्शियम एटॉमिक मास 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, हाउ मच एटम ऑफ ऑक्सीजन गिवन 3, मल्टीप्लाई बाय 3. बॉन्ड मास रूल विल अप्लाई फॉर द एडिशन, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास इट विल बी 100. तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना आ गया स्टूडेंट्स, 100. यू विल पुट हियर 100. आफ्टर द कैलकुलेशन यू विल फाइंड आउट हाउ मच मोल्स ऑफ
कैल्शियम कार्बोनेट गिवन. हाउ मच मोल्स? 15 मोल्स ऑफ CaCO3 गिवन. 15 मोल्स ऑफ CaCO3 गिवन. तो आप लोग इतना नोट करिए जल्दी से बेटा. तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले रिएक्शन लिखी, दैट शुड बी बैलेंस्ड. देन आफ्टर हाउ मच मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट एंड हाउ मच मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विल फॉर्म्ड, इट विल बी कैलकुलेट. देन इफ द गिवन डाटा इज इन ग्राम, इट विल कन्वर्ट इनटू मोल्स. इट विल कन्वर्ट इनटू मोल्स एंड वी नो मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. By the calculating moles, moles given, you will calculate how much moles of unknown product will form. How much moles of unknown product will form? आप calculate करोगे unknown product के कितने moles बन रहे हैं. तो कैसे calculate करेंगे? Unitary method से. क्या होता है unitary method? कैसे calculate करते हैं उसको? थोड़ा सा देख लेते हैं. In this question, unknown quantity you will write right hand side, known quantity you will write left hand side. Got it? So firstly you will write 1 mole of calcium carbonate. 1 mole of calcium carbonate produced 1 mole of lime. 1 mole of lime. 15 mole of calcium carbonate given. So 15 moles of calcium carbonate. How much moles of lime produced? So 15 moles calcium carbonate ke kitne moles lime ke develop karenge. Now we will apply here unitary method. According to that logic, you will write that term here in front of that term, put in division form, the given value come in multiplication form. That's why we can say after the calculation 15 moles of lime produced. तो यहां से लाइन के कितने मोल्स बने? 50. एंड वी नो मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो पर्टिकुलरली इफ यू कैलकुलेट मास ऑफ लाइम, मोल्स ऑफ लाइम पुट हियर, हाउ मच मोल्स? 15 mass upon molecular mass of lime you can calculate separately. Molecular mass of lime, that means CaO. Ca calcium atomic mass 40, oxygen atomic mass 16. After the calculation you will feel its molecular mass will be 56. Okay students, now you will write molecular mass here by crisscross pattern. 15 multiply 56, that will be mass of lime produced. Kya ho jayega students? How much mass of lime will produced? That means by the multiplication you will find out final answer 840 gram mass of lime formed. तो मैं उम्मीद करती हूँ, मैं होप करती हूँ आपको इस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर कैसे कैलकुलेट करना होता है किसी अननोन प्रोडक्ट का मास समझ में आया होगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.